आप होटल भी बुक करिएगा, चेक इन भी कोई कर लेता है, चेकआउट भी कर देता है। जब फोन कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपका तो चेकआउट हो चुका है, पैसे तो तुरंत ले लेते हैं, पैसे में ओटीपी भेजने में टाइम नहीं लगाते वो लोग। दूसरा कैब का भी इशू है, आप कैब करते हैं, कैब वाला बहाना करता है इस रोड पे आ जाइए, तो वहाँ उनके हिसाब से आप चलिए, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, उनके हिसाब से आप रोड बदल के आइए। कैब और होटल, मैं तो बड़ा निश्चिंत थी, बड़ा अच्छे से सोचा कि ऑनलाइन बुक करूँगी, लेकिन ऑनलाइन में इतना इशू है, इससे अच्छा है कि आप ऑफलाइन ही बुक कर लें, क्योंकि आपको इतना टेंशन होने वाला है कि आप चिड़चिड़ा जाएंगे, और सुबह से इंसान जब ऊपर है तो चिड़चिड़ाना तो लाजिम है। तो आपके साथी जो है वो ऑटो है, तो आप प्लीज़ ऑनलाइन फॉनलाइन ना करें, बहुत प्रेशर हो जाता है उसमें, लोग आने से मना कर देते हैं, बुकिंग कैंसिल कर देते हैं अपने मन से। आप चुपचाप आके ऑटो लें, और ऑटो ले आके कोई ऑफलाइन अच्छा सा होटल ले लें। यहाँ पे ये जो बकचोदी करते हैं कि ऑनलाइन होटल बुक करें तुरंत बुक हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, ना ऑनलाइन जो होटल बुक किया वो जिम्मेदारी ले रहे हैं हम, मेरे 1000 रुपये वापस नहीं करने के, ना ही होटल वाले। होटल वाले बोलते हैं अच्छा आपका बुकिंग है तो आइए, हम बोले आपको बुकिंग शो करा, तो चुतिया की तरह बोलता है कि नहीं नहीं बुकिंग कहाँ शो रहा, जब बुकिंग चुतिया शो हो ही नहीं रहा है तो तू बुला किस लिए रहा है, झाल बजाने के लिए हमको 50 बार हमको फ़ोन कर रहे हो तो। प्लीज़ गाइस प्लीज़ बुकिंग मत करना, और मैं होटल का नाम भी बताऊंगी, रेटिंग ज़रूर आप लोग ख़राब देना उसका, और ओला को तो मैं ख़राब दूंगी ही रेटिंग, क्योंकि बाहर से आए हुए इंसान को आप लोग इतना परेशान करोगे तो सच में गाइस वो टॉलरेट नहीं कर सकता ना, कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। तो मुझे कॉल करके बताया कि आप ऑनलाइन पेमेंट मत किया करो, होटल में आओ तभी पेमेंट किया करो। थैंक्स टू हिम इतना मैंने सुनाया, लेकिन वो मुझसे एकदम पोलाइटली अभी कॉल करके बात करा, मुझे ये अच्छा लगा। अब मैं लेकिन उस होटल नहीं जा रही, वो मैं अब रास्ते में जो होटल मुझे मिलेगा यहाँ पे बहारगंज पे मैं वही होटल करूँगी। और ऑटो वाले भैया मेरा सारा बात सुन रहे, बेचारे मुझे सांत्वना दे रहे हैं, मैंने कहा बहुत एक्सपीरियंस ख़राब रहा यहाँ पे मेरा, अभी आते के साथ ही ऐसा ऐसा हो गया, कैब नहीं हुआ, होटल कैंसिल हो गए, ऑनलाइन बुकिंग कर दी, आप बोल रहे हैं कि बुकिंग नहीं हुआ, आपका बुकिंग हुआ है लेकिन बिना पेमेंट वाला दिखा रहे, तो बोले मैं झूठ क्यों बोलूँगी, इधर ही दिखा रहा है, इसी बात है मैं आगे से भी डरे क्या नहीं ना आगे। आप होटल भी बुक करिएगा, चेक इन भी कोई कर लेता है, चेकआउट भी कर देता है, जब फ़ोन कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपका तो चेकआउट हो चुका है, पैसे तो तुरंत ले लेते हैं, पैसे में ओटीपी भेजने में टाइम नहीं लगाते वो लोग। दूसरा कैब का भी इशू है, आप कैब करते हैं, कैब वाला बहाना करता है इस रोड पे आ जाइए, तो वहाँ उनके हिसाब से आप चलिए, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, उनके हिसाब से आप रोड बदल के आइए। कैब और होटल, मैं तो बड़ा निश्चिंत थी, बड़ा अच्छे से सोचा कि ऑनलाइन बुक करूँगी, लेकिन ऑनलाइन में इतना इशू है, इससे अच्छा है कि आप ऑफलाइन ही बुक कर लें, क्योंकि आपको इतना टेंशन होने वाला है कि आप चिड़चिड़ा जाएंगे, और सुबह से इंसान जब ऊपर है तो चिड़चिड़ाना तो लाजिम है। तो आपके साथी जो है वो ऑटो है, तो आप प्लीज़ ऑनलाइन फॉनलाइन ना करें, बहुत प्रेशर हो जाता है उसमें, लोग आने से मना कर देते हैं, बुकिंग कैंसिल कर देते हैं अपने मन से। आप चुपचाप आके ऑटो लें, और ऑटो ले आके कोई ऑफलाइन अच्छा सा होटल ले लें। यहाँ पे ये जो बकचोदी करते हैं कि ऑनलाइन होटल बुक करें, नियरेस्ट होटल देखने के लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा था 106 जो किसी भी पैसा, और कोई अंदर में एकदम, ये तो एकदम आगे में ही होटल है, मतलब रूम है सीढ़ी के पास, टीवी चलता है ना, क्योंकि जहाँ गए थे वहाँ रूम तो ले लिए थे, टीवी वगैरह नहीं चल रहा था, और ये वॉशरूम हाँ बस थोड़ा सा गंदा क्योंकि लग रहा है, अरे मैं हूँ सामने तो ठीक ही है, एसी वगैरह तो चलता है ना, टेबल है, फ्रिज है, कितना अच्छा है यहाँ सर, जैसे इनकी बाग में कितना दूर है, सामने मतलब पैदल जाएंगे पहुँच जाएंगे, थक जाएंगे यार क्या बोल रहे हो, हाँ तो ठीक है, अगर जैसे इनकी बागली फिर मिल जाना, ये वाले वो नहीं जाए, वो ठीक नहीं लग रहा, मतलब एकदम सीढ़ी के पास है वो, ठीक है चलो, अगर सीन की बावली हो जाना है मुझे फ्रेश होके, तो अब मैंने बुक कर लिया, अभी तुम देखो घूमने ठीक है, डन कर दीजिए। तो मैंने नारियल पानी लेने का डिसाइड किया है,
और मैंने गलती कर दी, मतलब एक होटल ये मैंने देखा, मैंने दिल्ली पर तो होटल देखा ही नहीं था, दिल्ली पर खाना है मुझे, हाँ नमक डाल देना उसमें, तो ये होटल तो मैंने देखा नहीं, मैं यहाँ भी चेकआउट कर सकती थी, बट कोई ना, अभी मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया है, तो पहले नारियल पानी ये मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, तो ये काफ़ी हेवी था, अभी पकड़ लिया, मज़ा आ गया, दिमाग में ठंडे रहेंगे, चीज़ मिल गया, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे लोकल शॉप में ही मिले, मतलब लोकल जगह पे ही खाने के लिए मिले, तो मैं खाऊंगी एक ब्रेड, वाह, मैंने यहाँ पे बात कर ली है और मैं अब लेने वाली हूँ एक मैगी एक मसाला, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, बस मैगी मैंने पानी पिया और ये फ्रूट्स लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये, क्योंकि अभी मैं रूम में जाऊँगी तो एकदम पैक सी हो जाऊँगी, और यहाँ पे भी लोग खा रहे हैं, और एक और होटल दिखा मेरे, मतलब जब मैंने होटल ले लिया मेरा मूड बहुत ख़राब था, मेरा उस समय मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए फिर मैंने होटल जो मुझे पहला होटल दिखा मैंने वही ले लिया, बट यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ होटल मिल जाएंगे, जैसा मैं अभी देख पा रही हूँ नंबर्स ऑफ होटल है यहाँ पे, तो फिर भी मेरा डील चलो ठीक है कर लिया, एक दिन की बात है, कल फिर देखूँगी मैं क्या करना है मुझे, मैंने उससे आधार कार्ड लिया था अपना, मुझे याद नहीं है, और पता है यहाँ पे आप गई क्रेडिट कार्ड जल्दी कोई पेमेंट नहीं लेते, मतलब बड़े होटल में पेमेंट ले लेंगे, और वैसे तो आपको पता ही है कि कम दाम, मतलब मेरा बजट ज़्यादा नहीं था, गरीब तो ज़्यादा बजट तो है नहीं, इसीलिए नहीं, तो इसलिए अभी आई हूँ यहाँ पे बनवाने के लिए, तो हो गया मैंने पैक करा लिया, पेमेंट भी कर दी है, टोटल 80 रुपये का हुआ, 40 का पनीर, 40 का मैगी और 40 का ये, तो अब मैं जा रही हूँ उनको घर पे मस्त बैठ के खाऊंगी, मैंने पैक करवा लिया है, ये पैक कर देंगे और होटल में मस्त बैठ के खाऊंगी।